आम आदमी के पास क्या जबरदस्त अधिकार है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि कंज्यूमर कोर्ट कैसे कैसे फैसले लेता है। एक खबर को जानेंगे, उस खबर में आपके लिए ऐसी बात छुपी है कि आप भी ऐसे किसी ट्रैप में फंसेंगे या आपका कहीं नुकसान हो रहा है, तो आपके फायदे की बात इस वीडियो में है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, दूसरों को बताएं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं और हमें कंपनसेशन कैसे मिल सकता है, उसके बारे में इस वीडियो को जानने के लिए या आगे आने वाली वीडियोस को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना सख्त जरूरी है। सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो चलिए अब समझते हैं इस खबर के बारे में। हैदराबाद के एक सज्जन रमेश माली करके, वो जाते हैं टोयोटा फॉर्चुनर एसयूवी खरीदने। सनत नगर एक जगह है हैदराबाद में, वहां पे उनको एक डीलरशिप के वहां वो जाते हैं प्राइस राइज पता करने और काइंड ऑफ अपनी एसयूवी परचेज कर ही लेते हैं। उसके लिए 45 लाख रुपीस का वो लोन लेते हैं जिसकी ईएमआई आती है 45,548 के आसपास। अब जो डीलरशिप है, जो डीलर है, वो उनको प्रॉमिस करता है जल्दी से जल्दी उनको एसयूवी मिल जाएगी। उस इंसान की ईएमआई शुरू हो चुकी है, वो वहां पे रिमाइंडर्स डालता है कि मुझे गाड़ी नहीं मिल रही, मेरे लोन की ईएमआई स्टार्ट हो चुकी है। उसने टोयोटा को भी बताया, उसने डीलर को भी प्रॉपरली बताया, मेल्स या कम्युनिकेशन किसी तरीके से उसने किया और पूरी इंफॉर्मेशन दी, बट डीलर वाले कहते हैं हम पहुंचा देंगे आपकी एसयूवी। चलता रहता है मामला। उसके बाद जब वो परेशान हो जाता है, जब वो हैरास हो जाता है, मेंटल डिस्ट्रेस हो जाता है, उस कंडीशन में आ जाता है, तो वो पहुंचता है कंज्यूमर कोर्ट। और कंज्यूमर कोर्ट में जो अर्जी लगाता है वो टोयोटा और साथ साथ उस डीलर के अगेंस्ट लगाता है। जब कंज्यूमर कोर्ट टोयोटा और डीलर से बात करता है, ऑथोराइज्ड डीलर से बात करता है, डिस्कस करता है कि आपने एसयूवी जो उनकी गाड़ी थी जो उन्होंने परचेज की थी जिसके अगेंस्ट उन्होंने 45 लाख का लोन भी लिया है, जवाब मांगता है कि क्यों अभी तक नहीं डिलीवर की। ऐसी कंडीशन में टोयोटा अपने डिफेंस में कहता है कि हमने तो भाई देखो हमारा जो वो डीलर है वो ऑथराइज्ड अब नहीं है, तो हमें तो इस केस से निकाला जाए, यानी उसको हम ऑलरेडी वो बंद हो गया था इसलिए हमने उसे अपने ऑथराइज्ड डीलरशिप से हटा दिया गया है। बट कंज्यूमर कोर्ट कहता है कि जब वो गाड़ी उसने परचेज की, उसी डीलर से परचेज की, टोयोटा की गाड़ी थी उसके पास, एसयूवी जो लेने गया जिसके अगेंस्ट वो 45 लाख का लोन भर चुका है, स्टार्ट कर चुका है, 45 लाख का लोन लेके ईएमआई तक स्टार्ट कर चुका है, तो टोयोटा भी इससे बाहर नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और डिलीवरी सर्विसेज में दोषी पाए जाने के तौर पे कंज्यूमर कोर्ट टोयोटा और उस डीलर को दोषी मानता है, गिल्टी मानता है, और साथ साथ ये कहता है कि आपको उस पर्सन को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा 5 लाख रुपीस का। अब आप सोचो सारे, 45 लाख का आपने लोन लिया, आप भटकोगे कि कैसे मेरे लोन उतरे या क्या हो, वो कैसे होगा मुझे नहीं पता, ये सब कंडीशंस में उलझोगे। अगर आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पता होगा, आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होगा कि जब प्रोडक्ट सर्विसेज आप लेने जाते हैं और आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो उसके आगे आपको एक्शन क्या लेना है, सबसे बड़ा एक्शन है कंज्यूमर कोर्ट। आपको कंज्यूमर कोर्ट पहुंचना है। कोई भी अच्छे से एडवोकेट से आप सलाह ले सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दी हुई है, आप चाहें तो वहां पे जाके अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, legalcasesindia@gmail.com। और यहाँ पे आप कंज्यूमर कोर्ट के अधिकारों को समझ सकते हैं, जिस तरीके से इन पर्सन को 5 लाख का कॉम्पेंसेशन कंज्यूमर कोर्ट ने पे करने को कहा, टोयोटा और डीलर को कहा गया आप करेंगे 5 लाख का कॉम्पेंसेशन। अब अगली बात जो कंज्यूमर कोर्ट ने और जबरदस्त फेवर में दी, ये तो चलो 5 लाख का कॉम्पेंसेशन था, कंज्यूमर कोर्ट ने यह भी कहा कि 45 लाख का उस पर्सन ने लोन लिया, तो आपको उस पर्सन को 45 लाख का अमाउंट भी फुल रिफंड करना है, एडिंग 9% पर एनम का जो ईएमआई है वो भी पे करनी है, यानी टोयोटा और डीलर को मिलके 45.57 लाख रुपीस वापिस करने हैं, प्लस 5 लाख का कॉम्पेंसेशन अमाउंट देना है, यानी नियर अबाउट
50.57 लाख का अमाउंट दोनों को मिलके देना है, चाहे एक दे या दो दे, दोषी दोनों को पाया गया। बट उस पर्सन को जो रमेश माली करके पर्सन है जिन्होंने कंज्यूमर कोर्ट पे केस डाला, उनको वो 50.57 लाख रुपीस वापस मिलेंगे, जिससे वो अपना लोन भी चुका पाएंगे, अपना ईएमआईस का जो उनका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का ईएमआई चली गई थी वो भी कर पाएंगे। क्योंकि 45 लाख का जब लोन लेते हैं, कोई इंसान लेता है दो तीन साल, चार साल, दस साल, बीस साल, जो भी उसका टेन्योर रहता है, इंटरेस्ट के हिसाब से उसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट बनता है। तो इसी तौर पे कंज्यूमर कोर्ट ने फेवर में उनके जो कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, उनके फेवर में वर्डिक्ट दिया और ये कहा गया कि उनको वो पूरा अमाउंट मिलेगा। इससे उनकी लाइफ थोड़ी बेटर होगी। उलझने, मेंटल डिस्ट्रेस तो उन्होंने फेस किया, बट जब ऐसा कोई चीज फेवर में आता ना कंज्यूमर के, तो उनको लगता है कि हमारा जो अधिकार है हमारे पास है, यानी गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ अधिकार दिए हुए हैं, कुछ रूल्स दिए हुए हैं जिसके लिए हम फाइट कर सकते हैं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो वीडियोस हैं जो मैं अब लेके आ रहा हूँ, जैसे मैंने जयपुर की एक कहानी रखी जिसमें 1500 के कुर्ता किसी का फटा मल्टीप्लेक्स में, और वो भी उनकी सिटिंग चेयर की वजह से, और बाद में क्या हुआ उनको 23,500 रुपीज़ यानी 22,000 का कंपनसेशन मेंटल डिस्ट्रेस का अमाउंट मिला। ऐसे अधिकार बहुत लोगों के पास हैं, सभी के पास है इनफैक्ट, बस उसको यूज कैसे करना है ये हमारे हाथ में है, उसे समझना कैसे है ये हमारे हाथ में है। तो वीडियो में का डिस्क्रिप्शन लिंक में है, जो मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लस वो जयपुर वाली कहानी मिल जाएगी। ऐसी और कहानी के लिए, ऐसी और खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और ऐसे अधिकारों को समझना बहुत ज़रूरी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, जय हिंद।